तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एवोल्यूशन, और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, देन अबाउट डिफरेंट थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग से हुआ अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले, 20 बिलियन ईयर अगो पहले ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, जब बिग बैंग हुआ एक डेंस एंटाइटी में। उससे गैसेस क्लाउड बन गया, जिसे हमने कहा कि नेबुलर हाइपोथेसिस से भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये गैसेस क्लाउड कंडेंस हुआ अंडर इट्स ओन वेट ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल, और फाइनली उसने गैलेक्सीज और कई सारे सोलर सिस्टम बनाए, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी बनी और हमारा सोलर सिस्टम भी बना। पर डियर, जब अर्थ बना तो ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर था, जलता हुआ आग का गोला था जब वो बना। धीरे धीरे वो कूल डाउन हुआ और फाइनली उस पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हमने अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस किया, मगर हर थ्योरी में कोई ना कोई ड्रॉबैक था। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जिसे सारे साइंटिस्ट वो अप्रूव करते हो, उसे मानते हो, और सभी के कुछ ना कुछ साइंटिफिक जो है ड्रॉबैक्स थे, जिससे हम कह सकते थे कि ये थ्योरी पूरी तरह से नहीं मानी जाएगी। फाइनली ये थ्योरी आई केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ या ए बायोजेनिक थ्योरी, जो कि ओपिन और हेल्डेन ने दी। ये थ्योरी जिसका नाम केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो बताती है कि कई सारे केमिकल्स मिले और उससे पहला लाइफ फॉर्म बना, इसीलिए इसको ए बायोजेनिक थ्योरी भी कह रहे हैं। ए बायोजेनिक का मतलब क्या, नॉन लिविंग केमिकल से लिविंग लाइफ बनी, ये भी आप इसे कह सकते हो। तो थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट की, जो नहीं भी एक्सेप्ट करना चाहते थे उन्हें भी एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि इससे बेहतर थ्योरी उनके पास नहीं है। आज तक हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इससे बढ़िया कोई थ्योरी नहीं है, इसीलिए सभी इसी थ्योरी को मानते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को। तो यहां पर ओपेरिन और हेल्डेन, अलेक्जेंडर आई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन ने क्या बताया। एक्चुअली अर्थ जब शुरू में बनी तो ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर थी, धीरे धीरे वो कंडेंस होने लगी, कंडेंस होने लगी। जब वो कंडेंस हुई तो उसमें दो लेयर बनी, आउटर क्रस्ट और इनर कोर। बाहर क्रस्ट बना और अंदर कोर। जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो कोर में चले गए, फॉर एग्जांपल आयरन। जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो यहाँ क्रस्ट में आ गए, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये सब आ गए। तो हैवियर क्योंकि वो हैवी थे इसलिए सिंक कर गए एकदम अर्थ के बीच में, मगर लाइटर एलिमेंट लाइट होने की वजह से ऊपर रह गए। ये जब अर्थ बनी तो शुरुआत में इसमें बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ करते थे। उस वोल्केनिक इरप्शन से मोल्टेन मास रिलीज हुआ, इस मोल्टेन मास में से गैसेस रिलीज हुई, और ये गैसेस अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को पार करके बाहर नहीं जा पाई। इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन पुल ने बाहर नहीं जाने दिया, इसीलिए गैसेस ने एनवलप बना लिया अर्थ के चारों तरफ, और वो अर्थ का एटमोस्फियर उसने फॉर्म कर दिया। गैसेस क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्रॉस करके वो नहीं जा पाई, और गैसेस एनवलप उन्होंने इस तरह से बना दिया। तो पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं कैसे गैसेस रिलीज हुई, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो लिखिए, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड इट वाज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड इट वाज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर, इट वाज ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर। Volcanic eruptions were frequent. Volcanic eruptions were frequent. Gases were released from the molten mass of volcanic eruption. Gases were released from the molten mass of volcanic eruption, and they accumulated in Earth's atmosphere. अब क्या है कि शुरू में जो गैसेस में से निकल के अर्थ के एटमोस्फियर में आई वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस थी शुरू में। ये जो हाइड्रोजन है डियर, ये नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब आप जानते हैं कि अकेला है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस हाइड्रोजन ने यहां जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे रिएक्ट किया। जब खुद से रिएक्ट किया तो बनाया H2,
जब कार्बन से रिएक्ट करा तो बनाया CH4 दैट इज मीथेन, जब नाइट्रोजन से रिएक्ट किया तो NH3 अमोनिया बनाया, और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वाटर बना दिया जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में था। ये वो गैसेस हैं जो प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट थी। इसका मतलब शुरुआत में प्रिमिटिव अर्थ पे जो गैसेस थी वो कौन हो गई, H2, CH4, NH3 और वाटर दैट वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उस फॉर्म में था। तो यही गैसेस प्रिमिटिव अर्थ में थी। डियर इसको नोट कर लीजिए दिमाग में अपने अच्छी तरह से, अगर प्रिमिटिव अर्थ की गैसेस को पूछता है तो आप रट डालिए यही गैसेस थी, इन्हीं गैसेस को याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे गैसेस बन गई। अब क्या हुआ कि ओपरिन और हेल्डेन ने जो है अपनी थ्योरी साथ में जो है प्रस्तुत की, हालांकि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू ओपरिन एंड हेल्डेन इन 1929 स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स माइट हैव टेकन प्लेस इन प्रिमिटिव अर्थ व्हिच हैज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। दैट मींस ओपरिन और हेल्डेन के अनुसार स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ अर्ली मॉलिक्यूल्स का, अपने आप बने अर्ली मॉलिक्यूल्स, और ये अर्ली मॉलिक्यूल्स इसलिए बन पाए क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था रेदर देन दी प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। आज हमारी अर्थ पे ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होता है, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मगर प्रिमिटिव अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए वहां पर ये मॉलिक्यूल बन पाए, अदरवाइज वो बन नहीं पाते। अब जरा इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर इस बात पे दोबारा आएंगे हम अभी, ठीक है, तो आपको और समझ में आएगी ये बात जब इस प्रोसेस को समझेंगे जो इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी में। असल में क्या हुआ, प्रिमिटिव अर्थ पे अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा हॉट थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, और यहाँ पे गैसियस क्लाउड्स हैं, इनमें H2O वाटर वेपर के फॉर्म में H2 NH3 CH4 ये सारी गैसेस हैं। यहां पर जब ये वाटर वेपर कंडेंस होते थे, थोड़ा कूल होते थे, तो ये रेन के फॉर्म में, ये रेन के फॉर्म में अर्थ पे फॉल कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, रेन के फॉर्म में अर्थ पे फॉल करते थे, मगर अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जैसे ही फॉल करते थे तुरंत इवेपोरेट हो जाते थे। इस बारिश की बूंदों का वही हाल होता था गर्म अर्थ पे जो बूंदों का, पानी की बूंदों का हाल होता है तवे पे, गर्म तवे पे। जब उसे पानी डालते हो तो छन करके पूरा पानी उड़ जाता है, फिर डालते हो छन करके पानी उड़ जाता है, बार बार छन 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 करते रहते हो आप, और फाइनली एक समय आता है कि तवा जो है ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर छन छन नहीं होता बल्कि पानी के ड्रॉप्स उस पर आपको दिखते हैं। वही चीज यहां अर्थ पे हुई कि रेन आई उड़ गई पूरी, इवेपोरेट हो गई, फिर आई उड़ गई, इवेपोरेट हो गई, पर बार बार जब रेन गिरी और इवेपोरेट हुई तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डाउन आने लगा, वो कूल होने लगी अर्थ पानी, और इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर जब अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है डियर, तो यहां पर पानी इकट्ठा होने लगा, ये एक्युमुलेट होने लगा, और इस तरह से हॉट वाटर ओशन बन गया, पूरी अर्थ पे हॉट वाटर ओशन क्रिएट हो गए इस तरह से। जब ये बारिश हुई तो बारिश में जो ये गैसेस थी वो भी घुल मिलकर पानी में आ गई। इतना ही नहीं, ये गैसेस जो है पहाड़ों पर से गिरी तो वहां से स्लाइड करती हुई आई पानी में, तो क्लोराइड सल्फेट्स और दूसरे भी जो एलिमेंट्स हैं वो सब भी आए और पानी में वो घुल मिल गए। तो इसका मतलब पानी में बहुत सारे एलिमेंट्स वो इकट्ठा हो गए। अब पानी में बहुत सारे एलिमेंट जब इकट्ठा हो गए तो सीधी सी बात है कि वो एलिमेंट अब कंबाइन हो सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं, उसके लिए उनको जरूरत है एनर्जी की, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। वो प्रिमिटिव अर्थ पे एनर्जी की कोई कमी नहीं थी, तो ये सारे एलिमेंट यहां पर आ गए, पानी में इकट्ठा हो गए, और आप कह सकते हो स्टेज इज सेट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पर ये सब पानी में एलिमेंट्स इकट्ठा हो गए और ये स्टेज सेट है, अब ये सारे एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाएंगे, सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएंगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं हेल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप।
ये जो पानी है जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम उसे कह रहे हैं कि हेल्डेन का हॉट डाइल्यूट सूप है, क्योंकि पानी बहुत हॉट है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिले हुए हैं, इसीलिए इसको डाइल्यूट सूप हम कह रहे हैं। क्योंकि सूप में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हम मिलाते हैं, गर्म पानी में कई सारे इंग्रेडिएंट मिला के सूप बनता है, तो वही यहाँ पर भी है। आपने मार्केट से लिया होगा, वो 10 रुपीज के पाउच आते हैं सूप के, गर्म पानी में डाल देते हैं, सूप में बहुत सी चीजें मिक्स होती है, फिर आप उसे मिक्स करते हैं, वो सूप बन जाता है। तो वैसा ही सूप यहाँ पे है, पर उतना कंसेंट्रेट नहीं है, डाइल्यूट है। हेल्डेन ने इसको नाम दिया, या कहिए कि हेल्डेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको नाम दिया जाता है हेल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप, वेयर इट सेज इज सेट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये फ्री एटम्स हैं। ये कंबाइन हुए तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, और कंबाइन होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। मैंने अभी कहा कि प्रिमिटिव अर्थ पे एनर्जी की कोई कमी थी ही नहीं। देखिए प्रिमिटिव अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट, फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन था तो कंबाइंड फॉर्म में था, और अगर फ्री ऑक्सीजन था तो निग्लेजिबल था। निग्लेजिबल का मतलब आप जानते हो कि ऑलमोस्ट नहीं था, वो प्रेजेंट ही नहीं था। साथ ही साथ ओजोन वॉज एबसेंट, कोई ओजोन लेयर नहीं थी। जब ओजोन लेयर नहीं है तो सारी रेडिएशन अर्थ पे फॉल कर रही थी। देखिए यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, ये सब अर्थ पे फॉल कर रही हैं। जब ये यहाँ पानी में फॉल कर रही थी तो इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रही है? एनर्जी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन? यूवी रेज, कॉस्मिक रेज। प्रिमिटिव अर्थ पे लगातार बारिश होती थी और फ्रीक्वेंट लाइटनिंग होती थी, थंडरिंग होती थी। तो लाइटनिंग और थंडर, यहां पर लाइटनिंग और थंडर ये भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। थंडर इज ए साउंड एनर्जी, और लाइटनिंग, लाइट सीधे गिरती थी पानी पे, और लाइट जब गिरती है तो बहुत एनर्जी होती है उसमें। आजकल की अर्थ पे इतनी ज्यादा जो है थंडर लाइटनिंग नहीं होती, बहुत बारिश होती है, कभी कभार थंडर लाइटनिंग होती है और लाइट गिरती भी है, रेयरली गिरती है, कम गिरती है। उससे बचाने के लिए हम लोग अपने घरों में एक मेटल ऊपर से नीचे तक पहुंचा देते, ताकि घर पे गिरे तो घर न टूट जाए। वो मेटल पे लाइट गिरती है, मेटल उसको तुरंत अर्थ में कंडक्ट कर देता है। आप जानते हो अर्थ कितने भी चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर लाइटनिंग जो है हो रही है और आप बाहर है, आपके ऊपर गिर जाए, तो आप ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि लाइटनिंग ऐसा होता है। कुछ साल पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि ये लाइटनिंग गिरी और एक बफेलो पे, एक भैंस पे गिरी और वो बेचारी मर गई। तो लाइट में बहुत एनर्जी होती है, मगर अब उतनी ज्यादा थंडर और लाइटनिंग नहीं होती जितनी प्रिमिटिव अर्थ पे थी, वहां लगातार होती रहती थी। तो लगातार वो थंडर और जो है और लाइटनिंग गिरती थी पानी में, तो इन्हें एनर्जी मिलती थी कॉम्बिनेशन के लिए। केवल इतना ही नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन से भी एनर्जी मिल रही थी। केवल यही नहीं, रेडियो एक्टिव डीके भी बहुत फ्रीक्वेंट थे, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, और वो एनर्जी भी इनको मिल रही थी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने जाना कि एनर्जी की तो कोई कमी नहीं है, और इसीलिए कॉम्बिनेशन हुआ मॉलिक्यूल का। कैसे? ये फ्री एटम्स कंबाइन किए तो H2H2O, NH3, CO2, ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फिर और कॉम्बिनेशन होते गए, एनर्जी की तो कमी है नहीं, बॉन्ड बनता रहा। फिर बनी सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस एक्सेट्रा, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। और फिर कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता चला गया, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में कंबाइन हुए, सिंपल शुगर्स कंबाइन हुई तो उन्होंने बनाया कॉम्प्लेक्स शुगर, अमाइनो एसिड कंबाइन हुई तो बनाया प्रोटीन, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों कंबाइन हुई तो बना फैट्स, और नाइट्रोजनस बेसिस जब कंबाइन हुए तो बना न्यूक्लिक एसिड। तो ये बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन्हें आप बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हो, इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हो। तो पहले माइक्रो मॉलिक्यूल बने, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल बने, और माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या बन गया देखिए, कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए एंड आरएनए, ये तक भी बन गए। जब ये सब बन गए, जिसे आप बायो मॉलिक्यूल्स कहते हो, बायो मॉलिक्यूल से तो लिविंग बींग बनता है। जब सारे बायो मॉलिक्यूल बन गए तो सीधी सी बात है कि ये सब बायो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और उन्होंने फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनाया, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म
बनाया, आप कह सकते हो प्रोटोबायोंट्स बनाया। ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म होता है प्रोटो, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, बायोंट्स मतलब लाइफ, तो इन सब ने मिलकर फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनाया, आप कह सकते हो प्रोटोबायोंट्स। तो इस केमिकल कॉम्बिनेशन से ये चीजें बनी। मेरी ख्याल से ये जो बात मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बताना चाहते थे ओपरिन और हेल्डेन, वो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब थ्योरी को आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, असल में हुआ क्या, जब आपने पढ़ा था डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो उसमें दो थ्योरी आपने पढ़ी। एक थ्योरी पढ़ी थी आपने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनिक थ्योरी। देखिए ये वही थ्योरी लग रही है मगर वो नहीं है। ए बायोजेनिक थ्योरी में ये कहा गया था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग आते हैं, जैसे एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने बहुत सारे आप। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में रेडी, स्पैराजिनी और पाश्चर ने कहा कि ऐसा होता ही नहीं कि नॉन लिविंग से लिविंग बींग बने, बल्कि लिविंग बींग से लिविंग बींग बनते हैं। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड कर दिया, मगर वो लोग मानने को तैयार नहीं। वो लोग कहते थे ऐसा कैसे हुआ, लाइफ कभी ना कभी तो आई होगी, जब पहली बार आई तो नॉन लिविंग से ही आ सकती है, लिविंग तो था ही नहीं कोई। और बायोजेनेसिस वाले बोल रहे थे कि देखो कहां आती है लाइफ, हमेशा लिविंग से आती है। दोनों ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये ओपरिन और हेल्डेन ने कहा रुको, तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हारी बात भी सही है। अब ये कैसे हो सकता है कि दोनों अलग अलग बात कर रहे हो और वो सही हो, असल में वही ये थ्योरी है। इस थ्योरी में लोगों ने कहा कि देखिए सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग से हुआ, मगर उसके बाद लाइफ हमेशा केवल लिविंग थिंग से ही बनती है, लिविंग बींग से लिविंग बींग बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकता। पर शुरुआत में प्रिमिटिव अर्थ में लाइफ नॉन लिविंग थिंग से ही बनी थी, लाइफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही बनी थी, केमिकल कंपाउंड कंबाइन हुए, वो केमिकल कंपाउंड क्या थे, लाइफलेस, लाइफ नहीं थी उनमें, नॉन लिविंग थिंग्स थे, वो कंबाइन हुए और उससे लाइफ बनी। इसीलिए इसको ए बायोजेनिक थ्योरी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए बायोजेनिक थ्योरी। पर पूरी तरह से ए बायोजेनिक थ्योरी नहीं है ये, क्योंकि ओरिजिन तो ए बायोजेनेसिस से हुआ, मगर उसके बाद हमेशा अब आज की अर्थ में कभी भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं बन सकता। प्रेजेंट डे अर्थ में केवल लिविंग से लिविंग बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता। ये कब हुआ, केवल प्रिमिटिव अर्थ में। और देखिए ये बात ओपरिन जी बता रहे हैं, जरा फिर से देखते हैं इस बात को कि ओपरिन और हेल्डेन ने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अचानक से अपने आप, या कहिए कि ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स माइट हैव टेकन प्लेस इन प्रिमिटिव अर्थ व्हिच हैज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि प्रिमिटिव अर्थ में नॉन लिविंग से लिविंग बना, पर आज की अर्थ में नॉन लिविंग से लिविंग क्यों नहीं बन सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रेजेंट डे अर्थ जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग। आज हमारी अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, उस समय बिल्कुल भी नहीं था। ये फ्री ऑक्सीजन नॉन लिविंग से लिविंग थिंग को बनने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ भी मॉलिक्यूल का, तो फ्री ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज करके खराब कर देगा। आप जानते हो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा देता है, तो ऑक्सीडाइज कर देगा। केवल इतना ही नहीं, प्रेजेंट डे अर्थ पे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, अगर स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग से कोई लिविंग बना, केमिकल कॉम्बिनेशन से कोई लिविंग फॉर्म बना, तो माइक्रोब उसे कंज्यूम कर जाएंगे। इतना सिंपल फॉर्म होगा शुरू में जो बनेगा, इसीलिए वो बनना पॉसिबल नहीं है। अगर माइक्रोब कंज्यूम नहीं करते तो भी ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज कर देगी, बर्बाद कर देगी। इन दो वजहों से प्रेजेंट डे अर्थ पे नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकते। क्या बताया आपको कि प्रेजेंट डे अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग, और दूसरा माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन ओशन, दे कैन कंज्यूम दी एनी लाइफ फॉर्म विच इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दो वजहों से, क्या वजह है बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट डे अर्थ पे लाइफ क्यों नहीं बन सकती नॉन लिविंग से, ऑक्सीजन की प्रेजेंट की वजह से, क्योंकि प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, और दूसरा माइक्रो कंज्यूम कर लेते हैं। अब बात होती है ये क्वेश्चन क्या आता है, तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है जिसको मैं बार बार चीख कर चिल्ला कर आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन सबसे पॉपुलर यही कि आज लाइफ क्यों नहीं बन सकती केमिकल कॉम्बिनेशन से, अगर प्रिमिटिव अर्थ में बनी तो ऑप्शन देगा आपको, सारे ऑप्शन भूल जाइए आप, तो बस उसमें ये ढूंढिए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था,
यही कारण होगा, यही आंसर बनेगा और कुछ बनेगा नहीं। जैसा कि चैप्टर के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें क्या ढूंढना है ऑप्शन में वही ढूंढिए, क्योंकि चार ऑप्शन एग्जामिनर बनाएगा, इतने ब्यूटीफुल ऑप्शंस क्रिएट करेगा कि आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। आपको क्लियर कट होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि आज की अर्थ में लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट हो सकती, तो उसका एक ही कारण है कि ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर है, ये सबसे बड़ा कारण है, मेन कारण है, और माइक्रो वाला कारण दूसरा है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें ऑक्सीजन भी देता है कि ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट इन प्रिमिटिव अर्थ, प्रेजेंट डे में ऑक्सीजन है, दूसरा माइक्रोब्स प्रेजेंट है जो कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा, कोई लाइफ फॉर्म बनेगा उसको कंज्यूम कर जाएंगे, और तीसरा दोनों को देता है बोथ वन एंड टू, तब बोथ वन एंड टू होगा। अदरवाइज अगर वे दोनों ऑप्शन भी देता है और बोथ वन एंड टू वाला कोई ऑप्शन नहीं देता इन केस, तो भी आपको कौन सा लगाना है आप समझ चुके हो। कौन सा लगाना है? पहला। इसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए आज की अर्थ पे लाइफ फॉर्म स्पॉन्टेनियसली नहीं बन सकते। बात समझ गए ना? ठीक है, तो वही बात ये लोग लिख रहे हैं। देखिए ओपरिन की बात को सुनिए जरा। 1923 में ओपरिन पोस्टुलेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन रिमोट पास्ट एंड अंडर द कंडीशंस नो लॉन्गर ऑब्जर्व। इसका मतलब ये कहते हैं लाइफ प्रिमिटिव अर्थ में, रिमोट पास्ट में आई, उन कंडीशंस में आई जो कंडीशन आज ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। कौन सी? उस समय रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था, आज ऑक्सीडाइज, उस समय फ्री ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट था और आज फ्री ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, वो प्रेजेंट है पूरी अर्थ पे, पर उस समय नहीं था, यही बात ये कहना चाहते हैं। साथ ही साथ ये बात भी कहते हैं कि देखिए नॉन लिविंग से ही लिविंग थिंग बनी, मगर एक बार शुरू में बनी, अब नहीं बनती। वही उन्होंने लिखा, इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ 1938 ओपरिन सबमिटेड ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। देखिए इन्होंने कहा, इस बात को माना कि पहले ए बायोजेनेसिस हुआ, मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग बना, केमिकल कॉम्बिनेशन से लिविंग थिंग बनी, मगर उसके बाद बायोजेनेसिस एवर सिंस। तो शुरू में लाइफ जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनी, मगर उसके बाद हमेशा केवल बायोजेनेसिस होता है, इसका मतलब केवल लाइफ से लाइफ बनती है। इसका मतलब थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी सही हुई और बायोजेनेसिस वालों की बात भी सही हुई, मगर अलग तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया कि आज क्यों नहीं बन सकता नॉन लिविंग से लिविंग और पहले क्यों बन सकता था। इसीलिए आप कह सकते हो कि ओपरिन थ्योरी इज नोन एज प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ओपरिन की थ्योरी को आप प्राइमरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी कह सकते हो, क्योंकि असल में लाइफ का ओरिजिन तो ए बायोजेनेसिस से हुआ, तो प्राइमरली ए बायोजेनेसिस है। पूरी तरह से ए बायोजेनेसिस कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, क्योंकि शुरू में लाइफ का ओरिजिन वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ, पर आज भी तो नई नई लाइफ ओरिजिनेट करती है, उससे इनकार नहीं कर सकते आप। आज भी नई लाइफ बनती है, हर जनरेशन में अलग अलग, हर जनरेशन में लाइफ बनती है, तो वो बायोजेनेसिस से बनती है, वो सब केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं बनती। इसीलिए प्राइमरली एबायोजेनेसिस, प्राइमरी एबायोजेनेसिस आप कह सकते हो, वो बात बिल्कुल सही होगी। बात समझ गया थ्योरी में? तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो बात आप समझ गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा उसको भी समझते जाइए, ये थ्योरी किसने दी? ओपरिन और हेल्डेन ने। अब ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है? फिर प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशंस क्या थी, क्या कंडीशंस थी वो दिखाया आपको, और केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी कहां कहां से मिली, ये यूवी रेस, कॉस्मिक रेस, थंडर लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन और रेडियो एक्टिव डिके, इन सब चीजों से एनर्जी मिली, कॉम्बिनेशन होते चले गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, बायोमोलिक्यूल्स बने, और जब वो बन गए तो उसके बाद उन्हीं से फर्स्ट लाइफ फॉर्म वो ओरिजिनेट हुआ। कैसे हुआ वो स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अब इन्होंने ये बात कह दी, शुरू में ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस हम कहते थे, थ्योरी नहीं। थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है? थ्योरी प्रूव्ड होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है, और हाइपोथेसिस होती है विचारधारा, सोचा ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, पर एग्जैक्ट प्रूफ ना दे पाए तो हाइपोथेसिस होती है। मगर इनकी है केमिकल ओरिजिन, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट्स, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यूरे और मिलर ने इनकी थ्योरी को। तो वही अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ।
तो अब पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थियरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ हम कहते हैं, इसका मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, और वो ये है जो यहाँ सेटअप आप देख रहे हैं। तो ये थियरी तो ओपेन और हेल्डेन ने दी थी, मगर अगर हम एविडेंस की बात करें, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करें, तो वो दिया था यूरे एंड मिलर ने। यूरे एंड मिलर, ठीक है, यूरे और मिलर ने जो थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ थी ओपरिन और हेल्डेन की, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। हुआ क्या कि यूरे जो थे ये एस्ट्रोनॉमर थे, और मिलर जो हैं वो एक बायोकेमिस्ट थे। तो यूरे इनके गुरु थे मिलर के। तो यूरे ने मिलर से कहा कि आप वही कंडीशन बना के देखिए लैब में जो कंडीशन ओपरिन और हेल्डेन ने कही थी, और देखिए कि उससे क्या कुछ बनता है, क्या उनकी थ्योरी सही होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, आज भी उनका फेवरेट आइडिया जो होता है ना, वो कॉस्मोजॉइक थ्योरी या इंटर प्लेनेटरी थ्योरी है। ज्यादातर उसी को मानते हैं। वो तारों सितारों को देखते हैं, दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं, और उनको लगता है कि वहीं से लाइफ आई है। तो शायद हो सकता है इन्होंने इसलिए सोचा हो कि गलत प्रूव किया जाए ओपन हेल्डेन को, या पॉजिटिव ही सोचा हो, पर व्हाटएवर इन्होंने सोचा तो यूरे ने कि इसको लैब में देखा जाए बना करके, जो कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पे बताई जा रही हैं, अगर हम उसको सेटअप कर पाए तो पता लग जाएगा कि सच में वैसा हुआ था जैसा ओपन हेल्डेन बोल रहे हैं, या बातें कुछ और अलग थी। अब खुद तो सेटअप नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट मिलर से बोला जो कि बायोकेमिस्ट थे, और मिलर ने ये एपरेटस यहाँ पे बनाया। इस एपरेटस में उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस को रखा और देखा कि कुछ बनता है कि नहीं। पहले एपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं। जो मिलर्स एपरेटस है उसमें स्पार्क चैम्बर होता है। ये स्पार्क चैम्बर इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड से स्पार्क दिया जाता है 75,000 वोल्ट का। ये स्पार्क एनर्जी सोर्स है। आप जानते हो कि प्रिमिटिव अर्थ में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए, और उस मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी की जरूरत थी। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स वो प्रिमिटिव अर्थ का तो नहीं लिया गया, मगर हाँ इलेक्ट्रोड लिया गया एनर्जी सोर्स के रूप में। प्लस यहाँ पे वाटर वेपर भरा हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर ये प्रिमिटिव गैसेस भी दिख रही है हमको, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, CH4, NH3, H2 इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ये रेशियो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना याद रखिए कि जो अमोनिया है वो 1 के रेशियो में, बाकी दोनों गैसेस 2 के रेशियो में, और चौथा वाटर वेपर यहाँ पे भरा हुआ है। तो गैसेस ये तीन हैं, और तीनों 2:1:2 के रेशियो में है, मीथेन 2, हाइड्रोजन 2, जबकि अमोनिया 1 के रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर ये स्पार्क चैम्बर में गैसेस मिक्स होती हैं, वो होने के लिए एनर्जी सोर्स भी गिवन है। पर उसके पहले क्या होता है, ये पूरा जो एपरेटस है ना उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये वैक्यूम पंप के थ्रू इसमें पहले वैक्यूम क्रिएट किया गया ताकि जरा भी एयर न रह जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहती तो आप जानते हो कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन बनता भी तो ऑक्सीडाइज हो जाता। प्लस अगर इसमें माइक्रोब रह जाते जो कि एयर में होते हैं, तो यहां पर हमें ट्रैप में माइक्रोब मिल जाते तो ऐसा लगता है कि हमने लिविंग बीइंग बना दी है, जो कि फिर गलत हो जाता है एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट किया गया वैक्यूम पंप से। यहां पर इलेक्ट्रोड से एनर्जी प्रोड्यूस की गई और वो लगातार होती रही प्रोड्यूस। वहां से चीजें नीचे की तरफ जब आई वाटर के साथ, तो ये कंडेंसर है, इसमें वाटर एंटर करा रहे ठंडा, और वो यहां से गर्मी ले ले रहा है, और फिर वो गर्म पानी बाहर जा रहा है। तो ठंडा पानी गर्म पानी इसको सर्कुलेट कर रहा है, इस चीज को जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। तो यहां से जो हीटेड अप वाटर आ रहा है, अगर उसमें कुछ बना है तो यहां से कंडेंस होता हुआ वो चला जाएगा यहां, और यहां पर ट्रैप हो जाएगा। इसके अंदर हम उसे ढूंढ सकते हैं, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब पानी आ रहा है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बना होगा, उसे यहां पर देखेंगे कि बना है कि नहीं। बचा हुआ वाटर वापस यहां पे जाता है और वो हीट अप हो जाता है। उसको देयर इज प्रोविजन फॉर बॉइलिंग दैट वाटर। उस वाटर को हीट करते हैं, बॉइल करते हैं, थर्मामीटर भी रखते हैं ताकि टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए।
फिर वो पानी वापस यहाँ जाता है, गर्म पानी 800 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मतलब वाटर वेपर, और यहाँ पे ये गैसेस पहले से ही हैं, इलेक्ट्रोड से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और फिर वो यहां से कंडेंस होता हुआ ट्रैप में कलेक्ट होता है, वापस बचा हुआ पानी यहाँ चला जाता है जहां पे उसे दोबारा हीट किया जाता है। तो कुल मिला के इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव अर्थ की तरह इसमें ऑक्सीजन गायब कर दी, प्रिमिटिव अर्थ की गैसेस रख दी, इलेक्ट्रोड अटैच कर दिया एनर्जी सोर्स के लिए और कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल को ढूंढा जाने लगा। ये मिलर्स एपरेटस है, ये चलता रहा, मिलर ने अपने एपरेटस को रन कर दिया और 18 डेज तक रन किया। और आफ्टर 18 डेज, आफ्टर 18 डेज 18 दिन के बाद आश्चर्यजनक रूप से इसमें तीन अमीनो एसिड मिली, क्या, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड वर फाउंड इन ट्रैप 18 दिनों के बाद ये सब चीजें ट्रैप में मिली। इसका मतलब प्रूव हो गया कि प्रिमिटिव अर्थ में केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरह से हुआ होगा, ये जो गैसेस हैं कंबाइन की एनर्जी सोर्स से कंबाइन करके उन्होंने कुछ कंपाउंड्स बनाए, क्योंकि यहां पे हमें अमाइनो एसिड मिल गई है। अगर एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करें तो अमाइनो एसिड अगर कंबाइन की तो मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन भी बना सकती हैं, वो भी यहां पे बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपरिन और हेल्डेन कह रहे थे कि अगर एनर्जी सोर्स दिया जाए और वाटर के अंदर तो केमिकल कंपाउंड आपस में कंबाइन हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं, सिंपल सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के बाद लाइफ बन सकती है। वो आगे की कहानी है कि लाइफ कैसे बनी, मगर इससे ये प्रूव होता है कि ये केमिकल कंपाउंड बन सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ और साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बाय टेकिंग स्लाइटली डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल एंड स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सोर्स। उन्होंने इसमें एनर्जी सोर्स बदल दिया और कुछ स्टार्टिंग मटेरियल भी क्या लिए, डिफरेंट लिए। तो जरा इस बात को भी लिख लीजिएगा कि आप आफ्टर 18 डेज एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड वर फाउंड इन ट्रैप। तो मिलर के अपरेटस में देखिए सब कुछ चीज थी, परंतु प्रिमिटिव अर्थ पे जो एनर्जी सोर्स था वो उन्होंने नहीं लिया था। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि मिलर एपरेटस कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब हाथी घोड़ा तो कंटेन करेगा नहीं, इसका मतलब वो सब कुछ कंटेन करता है जो प्रिमिटिव अर्थ पे है, एक्सेप्ट इट वॉज डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स। ये लाइन भी जरा ऐड कीजिए, मिलर्स एपरेटस कंटेन एवरीथिंग, मिलर्स एपरेटस कंटेन एवरीथिंग एक्सेप्ट इट वॉज डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स, एक्सेप्ट इट वॉज डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने इनके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, थोड़े से अलग स्टार्टिंग मटेरियल ले लिए, एनर्जी सोर्सेस थोड़े से डिफरेंट ले लिए, और जब ऐसा उन्होंने किया तो वो भी कई सारे कंपाउंड बना पाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने एनर्जी सोर्स यूवी रेज ले लिया, कुछ लोगों ने अलग ले लिया। जब स्टार्टिंग मटेरियल वो HCN लिया गया, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN जिसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन साइनाइड लिया गया, इवन एडेनिन एंड अदर नाइट्रोजनस बेसिस वर फाउंड। इसका मतलब जब स्टार्टिंग मटेरियल वो ले लिया गया HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो एलेनिन तक बना लिया गया जो कि नाइट्रोजनस बेसिड है। अगर नाइट्रोजनस बेसिस बन सकते हैं तो DNA RNA भी बन सकता है, और आप जानते हो DNA RNA भी बन जाएगा, प्रोटीन तो यहां बन ही गया, अमीनो एसिड बन गया तो प्रोटीन बन ही सकता है। ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स अगर बन सकते हैं तो इनसे लाइफ भी बन सकता है। अब लाइफ बनती है कि नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी है, मगर इससे ये पता लगता है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। तो जरा इस बात को लिख लीजिए, इस बात को, सम अदर साइंटिस्ट रिपीटेड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, सम अदर साइंटिस्ट रिपीटेड मिलर्स एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सोर्स, बाय टेकिंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सोर्स, फॉर एग्जाम्पल यूवी रेस, फॉर एग्जाम्पल यूवी रेस एंड स्लाइटली डिफरेंट स्टार्टिंग मटीरियल, एंड स्लाइटली डिफरेंट स्टार्टिंग मटीरियल, फुल स्टॉप। व्हेन HCN वॉज यूज, हाइड्रोजन साइनाइड,
when HCN was used, even nitrogenous bases were also formed. When HCN was used, even the nitrogenous bases were also formed. जब HCN को यूज किया तो nitrogenous bases तक बन गए. प्लस इसके अलावा जब meteoroids जो अर्थ पे फॉल करते रहते हैं टाइम टू टाइम, पहले लेक्चर में बताया मैंने, तो जब meteoroids को एनालाइज किया गया जो अर्थ पे फॉर्म करते हैं, तो उनमें वही कंपाउंड पाए गए जो प्रिमिटिव अर्थ पे पाए जाते थे. ये सब कंपाउंड जो शुरू में बने प्रिमिटिव अर्थ में, ये क्या बात बताते हैं? मेट्रोइड में भी वही कंपाउंड है जो प्रिमिटिव अर्थ में, ये क्या बात बताते हैं? ये बताते हैं कि समवेयर एल्स इन द यूनिवर्स सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस व्हिच टुक प्लेस इन प्रिमिटिव अर्थ. इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स में कहीं और जहां से मेट्रोइड टूटकर आ रहा है, वहां यही रिएक्शन हो रही है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, अभी चल रही है. हमारे अर्थ पे तो लाइफ बन गई, पर मेट्रोइड जहां से आया वो शायद उस प्लेनेट से टूटकर आया, उसका टुकड़ा है जहां पर ये रिएक्शन चल रही है, इसीलिए उसमें ये कंपाउंड मिले जो इन सभी एक्सपेरिमेंट में, चाहे वो मिलर का हो चाहे उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने किया, उनमें मिला. इसका मतलब वो सब प्लेनेट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, अर्थ ओरिजिनेट हो चुका है, और अर्थ से पहले कई सारे प्लेनेट वो पहले ही बन चुके होंगे, वहां लाइफ ओरिजिनेट भी कर चुकी होगी और हमसे बहुत ज्यादा एडवांस होंगे. जैसा कि आप हॉलीवुड फिल्मों में देखते हो, एलियंस आते हैं और सभी एलियंस हमसे ज्यादा जो है वो ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं उनके पास, ज्यादा अच्छे वेपन्स होते हैं, पर हम अर्थ वाले उनको हरा देते हैं. हर फिल्म में ऐसा दिखाते हैं पॉजिटिव दिखाने के लिए. कुछ एकाज फिल्म में ऐसा दिखाया है कि दूसरे प्लेनेट वाले हमसे कमजोर हैं, जैसे कि एवेटार एक मूवी है, उसमें दिखाते हैं कि दूसरे प्लेनेट वाले वो धनुष बाण ही चला रहे हैं, घोड़ों पर ही घूम रहे हैं, वो चीजें जरूर दिखाई गई हैं. मगर इन सब चीजों से हमें पता क्या लगता है, इनसे पता लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ केवल अर्थ पे नहीं है, और भी कहीं होगी और जरूर होगी यूनिवर्स में. अगर यूनिवर्स में इतनी हजार गैलेक्सीज बनी हैं, उसमें पता नहीं कितने करोड़ जो है सोलर सिस्टम्स होंगे, तो उन सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो लाइफ होगी ही होगी. ये पॉसिबल नहीं कि लाइफ अर्थ के अलावा कहीं ना हो. हालांकि इसके कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, मगर जितनी भी हमें जानकारी है उससे हम पता लगा सकते हैं कि और जगह भी जो है लाइफ होगी, एलियंस होंगे जिनको हम एलियंस का नाम देते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट भी जरा लिख लीजिए, ये मेट्रोइड वाला. तो लिखिए, when meteoroids were analyzed, they found to contain similar compounds which were found in above experiments, जो ऊपर के एक्सपेरिमेंट में मिली. तो इसका मतलब पहला पार्ट स्टोरी का वो खत्म होता है कि भैया सिंपल एलिमेंट से जो है पहले सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, सारे बायोमोलिक्यूल बन गए, ये पहला पार्ट है. मगर उससे लाइफ कैसे बनी ये अभी प्रूव नहीं हुआ. एक्चुअली हम एवोल्यूशन को तीन हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं. ठीक है, आप कह सकते हो कि ये जो पूरा एवोल्यूशन है, या आप कह लीजिए ओरिजिन एंड एवोल्यूशन जो है वो तीन हेडिंग में पढ़ सकते हैं. एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैन बी स्टडीड अंडर नंबर वन कीमोजिनी. कीमोजिनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड. अभी तक यही पढ़ रहे थे इस थ्योरी में कीमोजिनी, तो लिख लीजिए इसको, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैन बी स्टडीड अंडर नंबर वन कीमोजिनी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बाय केमिकल रिएक्शन. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बाय केमिकल रिएक्शन बायोजिनी. नेक्स्ट बायोजिनी, बायो का मतलब लाइफ होता है, तो बायोजिनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म. ठीक है, तो लिखिए बायोजिनी, बायोजिनी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म. अब लाइफ फॉर्म बन गया, शुरुआत में तो वो बहुत ही सिंपल होगा, उसमें एवोल्यूशन होगा, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, वो होगा हमारा तीसरा
जो है हेडिंग, जिसे हम कहेंगे कॉग्नोजिनी। कॉग्नोजिनी इसका मतलब लिख लीजिए, कॉग्नोजिनी एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम बायोजिनी की तरफ बढ़ते हैं। कीमोजिनी हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बना के दिखा दिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया इस बात से वो। ठीक है, अब बायोजिनी की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ के लिए जो है वो तीन कंडीशन जरूरी है। आप कह सकते हो कि ये जो यहां पे केमिकल कंपाउंड्स बने, ये प्रीबायोटिक कंपाउंड्स हैं। ये प्रीबायोटिक कंपाउंड इनके इनको कवर कर लिया जाए किसी मेम्ब्रेन से और इनके अंदर रिएक्शन होने लगे तो वही लाइफ बन जाएगी, क्योंकि लाइफ जो है ना वो सराउंडिंग से सेपरेट होती है। फिश पानी में रहती है पर पानी में घुल नहीं जाती, अलग होती है, स्केल्स उसको सेपरेट करते हैं। हम लोग एयर में, पर एयर में घुले मिले नहीं है, सेपरेट है स्केल्स। तो लाइफ के लिए जरूरी है कि जो केमिकल कंपाउंड बने हैं वो आपस में जुड़े, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन आए और अंदर केमिकल रिएक्शन हो, वो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूड रहे तो उसे हम लाइफ कह सकते हैं। तो असल में आप इसे बायोजिनी को पढ़ सकते हो, इस हेडिंग में आप कह सकते हो एनक्लोजिंग द प्री बायोटिक सिस्टम। इसका मतलब प्री का मतलब पहले, बायोटिक का मतलब लाइफ। लाइफ बनने के पहले जो केमिकल्स थे जिनसे लाइफ बनी उनको एनक्लोज किया जाए, और उसके लिए थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड है जब उनमें पूरी तरह से लाइफ आए। तो एनक्लोजिंग द प्रीबायोटिक सिस्टम का मतलब क्या, जो केमिकल कंपाउंड बने उनको अब एनक्लोज किया जाए किसी मेम्ब्रेन में। तो इसमें लिख लीजिए आप, आगे मैं लिख भी देता हूं, थ्री conditions are required for origin of life। तीन condition life के origin के लिए जरूरी हैं, जिससे सबसे जरूरी है necessary condition होती है कि covering बने उसके ऊपर। तो तीन condition क्या है वो जरा लिखते हैं। पहला क्या है लिख लीजिए, फिर हम explain करते हैं इस चीज को। पहली कंडीशन है देयर शुड बी कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ रिप्लिकेटर्स। दूसरी, कॉपीइंग of these replicators must have been subject to error via mutation। मैं लिखते हुए बोल भी रहा हूं ताकि आप साथ में लिख भी सकें, और मैंने लिख भी दिया, अगर लिख नहीं पाते तो देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, देयर शुड बी पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम सराउंडिंग। Surrounding and constant supply of energy ये तीन conditions यहां पर आप लिख चुके होंगे। तो क्या क्या है जरा देखिए, पहला, there should be constant supply of replicators। Replicators इन्हें आप कह सकते हो सेल्फ रिप्लिकेटर, जो खुद से रिप्लिकेट करते हैं क्या लाइफ फॉर्म।
अगर कोई लाइफ फॉर्म बनता है बाय चांस तो उसकी सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं कि एक दो लाइफ फॉर्म बने और वो खत्म हो गए और बात ही खत्म हो गई, तो लाइफ ओरिजिनेट ही नहीं करेगा। अगर ये लाइफ फॉर्म बन रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उनकी सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए, लगातार वो बनते रहने चाहिए, पहली कंडीशन। यानी कि खत्म हो जाए, वो बनते रहे, करोड़ों बने, कई सारे बने, पर उनसे ज्यादा बनते रहे ताकि बाद में उसमें एवोल्यूशन हो सके। तो पहली कंडीशन की कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटर। दूसरा, कॉपिंग ऑफ दीज रिप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर बाय म्यूटेशन। जब इन रिप्लिकेटर्स की कॉपी बन रही है, मतलब जब ये रिप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना रहे हैं, तो उनमें म्यूटेशन हो, और प्रिमिटिव अर्थ में म्यूटेशन होना पॉसिबल है, बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन है, वहां पर थंडर लाइटनिंग है, रेडियो एक्टिव डीके और यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, ये सब म्यूटाजन है, म्यूटेशन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर म्यूटाजन है। तो जब प्रिमिटिव अर्थ पे ये रिप्लिकेटर अपनी कॉपी बना रहे थे, उनमें जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहा था, और आप जानते हो म्यूटेशन से, तो अगर लार्ज म्यूटेशन है तो एक ही बार में नई स्पीशी बन जाती है, तो बार बार उनमें म्यूटेशन भी हो रहा हो ताकि जल्दी से वो इवॉल्व हो रहे हो या नए लाइफ फॉर्म जल्दी जल्दी बन रहे हो, ये भी होना जरूरी। और थर्ड कंडीशन है कि देयर शुड बी पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से पार्शियली, अगर टोटली नहीं तो पार्शियली आइसोलेटेड हो, सराउंडिंग में रहते हुए भी उससे अलग हो, जैसे फिश पानी में रहते हुए भी उससे अलग होती है, हम एयर में रहते हुए भी एयर से अलग होते हैं। और एंड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई कॉन्स्टेंट बनी रहनी चाहिए, एनर्जी की सप्लाई की प्रिमिटिव अर्थ में कोई कमी नहीं थी, वो कॉन्स्टेंटली बना ही हुआ था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो खुद ही अंडरस्टूड है, पहले बता चुके हैं। मगर हाँ, ये पार्शियल आइसोलेशन कैसे आया, इस पॉइंट को अब हमें डिस्कस करना है, इस पॉइंट को, और इसके साथ कई सारे और पॉइंट्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं, उन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बात और समझ में आएगी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।